नमस्कार, क्षमा चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो बंद करना पड़ा। मैं एक बार पुनः गणेश वंदना से आरंभ करती हूँ। No.
कमान कत धान 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 साधुन चोगुन पलटा बुझकी झिझकी चमकी दमकी फिरकी तटसई तटसई लेत कुत तक धलांग छलांग छनन बाजे नूपुर ताल लेत कुत तक धलांग छलांग छनन बाजे नूपुर ताल धीर 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 तक चिंता साधिंता साधिंता तक नक चिंता चिन्न धिंता साधिंता तक धा दान धा दान धा दान धा गिति तक दान धा प्रस्तुति के अगले चरण में बढ़ रही हूँ। मैं महाकाल की नगरी में रहती हूँ, इसलिए भगवान शिव के चरणों में अपनी नृत्यांजलि दिए बिना मेरी प्रस्तुति अधूरी रह जाएगी। प्रस्तुत कर रही हूँ अर्धांग। रूपक ताल में बद्ध ये बंदिश अर्धांग शिव पार्वती के अर्ध नारीश्वर रूप को दर्शाती है, जिसमें उनका आधा अंग शिव का है और आधा अंग पार्वती का है। साथ ही इसमें उस बंदिश और वंदना के साथ रूपक ताल के ही कुछ छोटे छोटे तोड़े टुकड़े भी शामिल हैं। प्रस्तुत कर रही हूँ अर्धांग। जटा गंध की धार है,
कर सो है डमरू डिमक डिम कर सो है डमरू डिमक डिम कर सो है डमरू डिमक डिम नुपुर करत झनकार है नुपुर करत झनकार है नुपुर करत झनकार है कर धाम भस्म भभूत सो इंद्रजीत सिंह जी थैंक यू, वंदना पाठक जी थैंक यू सो मच, सौरभ मिश्रा जी थैंक यू, सोनू शर्मा जी थैंक यू, अपर्णा कौशल चौरसिया जी थैंक यू सो मच, शुभजीत कौर जी थैंक यू, मेरी गुरु दीदी प्रतिभा रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू दीदी प्रणाम, अंकित राय जी थैंक यू, सूरज पाल सिंह जी थैंक यू, प्रस्तुति के अगले चरण में बढ़ रही हूँ। मैं आज अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समस्त इष्ट देवताओं से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारा संपूर्ण विश्व जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे लड़ने की वे हमें शक्ति प्रदान करें और इन परिस्थितियों से हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें, और सभी कोरोना वॉरियर्स जो इतनी विकट परिस्थितियों में हमारे लिए हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ और उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी भी सुरक्षित रहें और इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। अगले चरण में प्रस्तुत कर रही हूँ श्री कृष्ण की एक वंदना। ये प्रस्तुति मैंने खुद कोरियोग्राफ करने का प्रयास किया है, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ और अपने गुरुजनों का और आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ एक कृष्ण वंदना।
व्यूअर्स का एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ। मुझे आप इतना सारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति के अगले चरण में बढ़ रही हूँ। शास्त्रीय कथक नृत्य का तकनीकी पक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ताल तीन ताल में। इसका नृत्य निर्देशन मेरी गुरु दीदी श्रीमती प्रतिभा रघुवंशी LGG ने किया है। प्रस्तुत है ताल तीन ताल मात्रा 16। Thank you.
Okay.
शिवकर मेहरा जी थैंक यू, अरिंदम कुमार जी थैंक यू, शकील चुदघाई जी थैंक यू, अंकित राय जी थैंक यू, शुभजीत कौर जी थैंक यू, कल्पना जंगम जी थैंक यू सो मच, प्रतिभा दीदी थैंक यू, मेरी गुरुमा श्रीमती पद्मजा रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुमा प्रणाम। प्रस्तुति के अगले चरण में बढ़ने जा रही हूँ। श्री कृष्ण की एक ठुमरी प्रस्तुत करूँगी जो मैंने जयपुर घराने की एक विख्यात नृत्यांगना श्रीमती विद्यालाल जी से एक वर्कशॉप के माध्यम से सीखी है, एक ऑनलाइन वर्कशॉप के माध्यम से। अब पूरा प्रयास करूँगी कि आपको पसंद आए और उसे अच्छे से निभा सकूँ। इस ठुमरी के पीछे की जो स्टोरी लाइन है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इस ठुमरी के बोल है बन बन ढूंढन जाऊँ यशोदा। इस ठुमरी में तीन भाग है, यशोदा, राधा और मीरा। सबसे पहले भाग में यशोदा कृष्ण को ढूंढ रही है, जो दूसरा भाग है उसमें राधा कृष्ण को ढूंढ रही है, और जो तीसरा भाग है उसमें मीरा कृष्ण को ढूंढ रही है। जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी की गई है उसमें वो तीनों अलग अलग किन किन जगहों पर उन्हें ढूंढेंगे उसका उसे दर्शाया गया है। प्रस्तुत कर रही हूँ एक ठुमरी। Ah!
आज की मेरी आखिरी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ताल तीन ताल राग बागेश्री में एक तराना। कुछ निरर्थक बोलों को जब राग और ताल में गुथकर उसमें नृत्य की कोई बंदिशें डाल दी जाती है तो वो तराना कहलाता है। तराना शास्त्रीय संगीत का एक बहुत अहम पक्ष होता है जिसे अंत में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुति के अंत में प्रस्तुत कर रही हूँ ताल तीन ताल राग बागेश्री का एक तराना। अंत में एक बार पुनः सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी के सभी सदस्यों का
श्री संगत राम जी, गुरजीत सिंह जी और सुखविंदर जी सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज मुझे प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया और वो इंटरव्यू जो था, मैंने पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू ऑनलाइन दिया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों का, सभी का हृदय से धन्यवाद, अपने गुरुजनों का, माता पिता का और आप सभी व्यूअर्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। और अंत में आप सभी से निवेदन करती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सभी प्रिकॉशंस लेते रहें और ईश्वर हमें इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकालेंगे। धन्यवाद।